अच्छा देखो, चैप्टर वी आर स्टडिंग राइट नाउ इज एलर्जन एल्केन। लास्ट टाइम वी स्टडीड एल्कीन्स। एल्कीन्स के पास पेपर्स हमने नहीं करे, वो हम एलर्जन एल्केन के साथ मिक्स करके करेंगे, क्योंकि जो स्पेशली आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन है ना, जो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म और जिसमें ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं पास पेपर्स के, तो वो मैं हेलोजन एल्केन्स के चैप्टर के साथ मिक्स करके करवाऊंगा। तो हेलोजन एल्केन बेसिकली क्या है, अगर एल्केन में हाइड्रोजन रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके अगर हम कोई हेलोजन लगा दें तो वो बन जाता है हेलोजिनो एल्केन। इस फैमिली का एक और नाम होता है, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स, या नोन एज अल्काइल बिकॉज हाइड्रोकार्बन चेन है, दैट इज अल्काइल, और हेलोजिन को हम हैलाइड कहते हैं, दिस इज अल्काइल हैलाइड या फिर हेलोजिनो एल्केन, फैमिली के दो नाम है। हमने हेलोजिनो एल्केन डिफरेंट रिएक्शंस में प्रोड्यूस करे हुए हैं अब तक, लाइक व्हेन एल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन गैस अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, फिनो क्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन एंड सो ऑन द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज हेलोजिनो एल्केन, क्लोरोएथेन साथ में HCl बनता है। एल्कीन के साथ भी हमने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वेयर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एल्कीन्स, दैट से वी हैव प्रोपीन व्हिच इज C3H6, एंड इफ वी रिएक्ट प्रोपीन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो क्या होता है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होता है एंड टू हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एंड वन ब्रोमीन अटैच टू द टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ये वाला रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी हमने एल्कीन्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसमें भी जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अंदर हैलोजन अटैच्ड है ना एल्केन के साथ, तो ये ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट मिलेगा, वन ब्रोमो प्रोपेन या टू ब्रोमो प्रोपेन, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। तो ये भी हैलोजिनो एल्केन ही है ब्रोमो प्रोपेन, तो ये हमने ऑलरेडी बना के देख चुके हैं। एल्केन्स में भी देखा था CFCs, क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो थे, जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, कार्बन ब्रोमीन टूट जाता है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता, तो वो भी हैलोजिनो एल्केन से, मतलब हम देखते आए हैं हैलोजिनो एल्केन, अभी अलग से पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका। इसके अलावा देयर आर अदर मेथड्स टू प्रोड्यूस हैलोजिनो एल्केन, जिसमें एक किसी एल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नहीं एल्कोहल मैं बताता हूँ, ये अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, लेट से इथेनॉल है, CH3CH2OH, इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं HCl के साथ, तो इसमें भी जो है ना क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है OH को, उसको हटा के उसकी जगह पे लग जाता है, तो ये भी हेलोजिनो एल्केन बन गया क्लोरोएथेन। ये अल्कोहल्स में भी पढ़ेंगे ये वाला कुछ दोबारा से हम लोग रिएक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास लेट से इथेनॉल है, उसको हम रिएक्ट करवाएं विद PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो उससे भी हम लोग हैलोजन एल्केन बना सकते हैं, उसमें भी ये क्लोरोएथेन बन जाएगा, और लेकिन साथ में जो है वो HCl वाटर नहीं बनेगा इस बार, इस बार जो है वो फॉस्फोरस एसिड बनेगा H3PO3। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट करना पड़ता है बस साथ में। इसी तरह एक और रिएक्शन है जिसमें हम लोग हैलोजन एल्केन बना सकते हैं, वो भी अल्कोहल के साथ है, कि हम किसी अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं, इस बार PCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे, PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इससे भी हैलोजन एल्केन बन जाएगा क्लोरोएथेन। ठीक है, ये भी हम ना आगे अल्कोहल के चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे। साथ में जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें, वो HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस और POCl3 प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, ये रिएक्शन ना एक्चुअली याद रखना है सारे विद बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, मतलब इनकी इक्वेशन बैलेंसिंग, क्योंकि मुझे दोबारा से पढ़ाने ही है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ उसको आपको, लेकिन ये बैलेंसिंग के साथ याद रखना है। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन पे 3 3 आएगा मोल्स, सेकंड लास्ट वाली तो बैलेंस्ड है। इसी तरह इथेनॉल को अगर हम रिएक्ट करवाएं SOCl2 के साथ, इसको हम कहते हैं सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड, तो इससे भी हमारे पास क्लोरोएथेन बनेगा, और साथ में HCl गैस बनेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है,
चलें आगे बढ़ें। ऐसा ही दोबारा अल्कोहल्स में पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन सारे। अभी यहां तक लिख लिया तो बस बता दो, आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे बढ़े। अब हेलोजिनो एल्केन्स के रिएक्शन देखने हैं हमने, है ना। रिएक्शन ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स, हेलोजन एल्केन्स का पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के उससे बता रहा हूं मैं आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इसको देखने से पहले ना हम ना टाइप्स ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स देख लेते हैं, एक मिनट जरा इसको होल्ड करके। टाइप्स की बात नहीं हुई है ना अभी, टाइप्स ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स। देखो जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन, इसी तरह हेलोजिनो एल्केन्स की भी ना तीन टाइप्स होती है, प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन, टर्शरी हेलोजिनो एल्केन और सेकेंडरी हेलोजिनो एल्केन। अब इसका मतलब भी बिल्कुल वही है कि अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन की, तो वो क्या होगा, ऐसा हेलोजिनो एल्केन जिस कार्बन पे हेलोजिन लगा हुआ है, लाइक क्लोरीन हेलोजिन लगा लेते हैं अभी, उस कार्बन के साथ इफ डायरेक्टली ओनली वन एल्काइल इज अटैच्ड और वन कार्बन इज अटैच्ड, देन दैट हेलोजिनो एल्केन इज प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन। या तो एक एल्काइल होगा या एक भी एल्काइल नहीं होगा, तो तीनों हाइड्रोजन होंगे, जैसे क्लोरोमिथेन है तो ये भी प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन के तौर पे काउंट होता है। सही है, जैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, सेकेंड कार्बोकेटाइन था, उसी तरह से, मतलब डजंट मैटर इफ दिस अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन किसको कह रहे हैं, कार्बन अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ, इफ द कार्बन विच हैज हैलोजन हैज टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट एंड ओनली वन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, डजंट मैटर वो जो एक अल्काइल चेन लगी हुई है ना उसके साथ बेशक हजार कार्बन ही क्यों नॉट, डायरेक्टली तो एक ही अटैच्ड है ना, इसको हमें आर चेन कहते हैं, तो दैट इज प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन। मतलब इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा कार्बन द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इफ इट हैज ओनली वन एल्काइल डायरेक्टली अटैच्ड टू इट देन दैट इज अ प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो रिमेंबर इफ अल्फा कार्बन हैज टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट देन दैट इज अ प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन। सही है, ये बात समझ आती है? सेकेंडरी हेलोजिन एल्केन क्या होगा? इफ अल्फा कार्बन, द कार्बन टू विच हेलोजिन इज अटैच्ड, इफ इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, इट मींस के देयर वुड बी टू अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू इट, दैट वुड बी सेकेंडरी हेलोजिन एल्केन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बना दें, इफ दिस कार्बन हैज वन इथाइल अटैच्ड टू इट एंड वन मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट और एक हाइड्रोजन है, दिस इज सेकेंडरी हेलोजिनो एल्केन। ठीक है, और टर्शरी हेलोजिनो एल्केन फिर क्या होगा? टर्शरी कार्बन, अल्फा कार्बन,
द कार्बन टू विच क्लोरीन इज अटैच इफ इट हैज नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू इट. सारे अल्काइल्स हो. दिस इज टर्शियरी हैलोजन एल्केन. दिस सही. ये मतलब ये एग्जांपल्स हैं, और भी हो सकते हैं टर्शियरी हैलोजन एल्केन. समझ आई बात यहां तक? आगे बढ़े. अच्छा जी, तो हम देखना चाह रहे थे एक्चुअली रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एल्केन्स. अच्छा, हैलोजन एल्केन्स के जो रिएक्शंस है ना, जिसमें हैलोजन इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म भी ना दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1 या विथ ऑर्डर 2, जिसको हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द ऑर्डर 2. अब ऑर्डर का वर्ड अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा, एंड में हम जब बात करेंगे इसकी, वैसे तो AS में जरूरत भी नहीं है इसका मतलब समझने की. तो याद रखना है ये कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है विद द ऑर्डर 1. अनदर वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द ऑर्डर 1, जिसको हम SN1 कहते हैं. SN2 कब होता है? व्हेन वी हैव प्राइमरी, व्हेन वी आर डीलिंग विद और रिएक्टिंग प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स. SN1 कब होता है? व्हेन टर्शियरी हैलोजन एल्केन्स आर रिएक्टिंग. अच्छा, सेकेंडरी हैलोजन एल्केन्स में सम मॉलिक्यूल्स कैन अंडरगो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म व्हाइल अदर मॉलिक्यूल्स कैन अंडरगो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. तो फॉर सेकेंडरी हैलोजन एल्केन वो हमें बताएगा कि उसमें SN1 करना है या SN2 करना है, बट फॉर प्राइमरी एंड टर्शियरी वी हैव टू रिमेम्बर. मैंने ऐसे याद किया हुआ है इसको, जैसे हमारा पेपर 2 होता है ना, इसको हम P2 कहते हैं. P इज फॉर प्राइमरी, N2 इज फॉर SN2. तो प्राइमरी में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, टर्शियरी में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. फॉर सेकेंडरी बोथ आर पॉसिबल. तो सेकेंडरी का वो आपसे पूछेगा नहीं, आपको उसको खुद बताना पड़ेगा. तो प्राइमरी और टर्शियरी का आपको याद होना चाहिए. चले आगे कर दो उसकी जरा. अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोजिनो एल्केन्स के अच्छे खासे हैं, मतलब व्हेन हैलोजिनो एल्केन्स रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट में हमारे पास मिलता है अल्कोहल एंड सोडियम हेलाइड बनेगा कोई. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3 CH2 Br,
ब्रोमोइथेन, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। प्रोडक्ट में वी विल गेट इथेनॉल CH3CH2। OH विल कम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन और इसकी जगह पे लग जाएगा। एंड वन मोर थिंग विल गेट इज सोडियम हैलाइड। सोडियम और हेलोजन जो है वो ब्रोमीन है ना, तो सोडियम ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अंडर रिफ्लक्स। अभी जो वर्ड है ना हीट अंडर रिफ्लक्स, या आप पहली बार देख रहे हो हीटिंग अंडर रिफ्लक्स क्या होता है, अभी वो हम बात समझते हैं। अभी जरा पहले कुछ और रिएक्शन है वो देख लेते हैं। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म, प्राइमरी हेलोजन एल्केन बनाया है तो ये एसएन टू रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि एसएन टू है या एसएन वन है, बस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अभी तो मैं टाइप ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ कि हेलोजन एल्केन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेगा। अच्छा, इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन्स भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजन एल्केन भी कह सकते हैं, क्योंकि तो वाटर ही OH जाके रिप्लेस कर रहे हैं ना इसमें, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजिनोल। क्या ये जरूरी है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही ये रिएक्शन करवाएं? सिर्फ वाटर के साथ क्या ये रिएक्शन हम करवा सकते हैं? तो यस, वाटर के साथ भी करवा सकते हैं। अगर मैं ऐसे पानी डाल दूं, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगा। लेट्स से रिएक्शन टू में अगर हम सिर्फ प्योर वाटर डाल दें इसमें, इसमें भी अल्कोहल बन जाएगा। तो साथ में विल गेट हाइड्रोजन हैलाइड, क्योंकि वाटर में से OH निकल के चला जाएगा हेलोजिनो एल्केन में, बाकी की चीज जो है वो H पॉजिटिव आयन के साथ लग जाएगी। वाटर का जो हाइड्रोजन बचा है वो ब्रोमीन के साथ मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, राइट? बट ये जो है वो स्लो होगा रिएक्शन। और इसकी कंडीशन भी हीट अंडर रिफ्लक्स ही है। हीट अंडर रिफ्लक्स जो है ना, मैं भी समझाता हूँ। बेसिकली रिफ्लक्स इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास भी जैसे हैलोजन एल्केन है ना, दे आर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जब इनको हम हीट करते हैं मिक्सर को तो क्या होता है कि हैलोजन एल्केन इवेपोरेट कर जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमें ना रिफ्लक्स करना पड़ता है। सही है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना हम लोग टेस्ट फॉर हैलाइड आयन के लिए भी करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो हैलोजिनो एल्केन है वो ब्रोमोइथेन है या आयोडोइथेन है या क्लोरोइथेन है, तो अगर इसका टेस्ट किया था हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, राइट? जैसे ब्रोमोइथेन है, बट क्लोरोइथेन भी हो सकता है, आयोडोइथेन भी हो सकता है। जब हम इसके टेस्ट के लिए हम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं ना, तो एक्वस है तो इसके साथ जो वाटर है वो वाटर खुद से पहले जो है ना हाइड्रोलिसिस करता है, वाटर विथ
एक्वा सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोलाइसिस, हैलोजिनो एल्केन्स, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन के अलग हो गया, अब ये आयोनाइज हुआ हुआ होगा सोल्यूशन में, तो सिल्वर आयन इजली ब्रोमाइड आयन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो फिर ये आपको सिल्वर ब्रोमाइड दे देगा, लेकिन पहले वाटर निकालेगा, पहले ये ऊपर वाला रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, और फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो बना है उसमें से सिल्वर आयन जो है वो ब्रोमाइड आयन के साथ अटैच होके सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, इसका क्रीम पीपीटी मिलेगा आपको। इसी तरह जब सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो व्हाइट पीपीटी और सिल्वर आयोडाइड का येलो पीपीटी होता है। और फास्टेस्ट रिएक्शन किसके साथ होगा, वो होगा आयोडो इथेन के साथ, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट होता है, लॉन्गर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, फास्टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विथ आयोडोइथेन एज कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकेस्ट। क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक समझ आइए सबको बात। अच्छा, अगर हम हैलोजिनो एल्केन्स की रिएक्टिविटीज कंपेयर करें ना, जैसे फ्लोरो एल्केन है, फिर क्लोरो एल्केन होगा, वेल्केन कोई भी हो सकता है, वो क्लोरोइथेन भी हो सकता है, क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है, ब्रोमो एल्केन हो गया, आयोडो एल्केन हो गया, तो इनमें से जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो फ्लोरो एल्केन है, और यही रीजन है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होता अल्ट्रा वायलेट रे में, और जो मोस्ट रिएक्टिव है वो आयोडो एल्केन होगा। सही, रिएक्टिविटी, टर्न इन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एल्केन सही है। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? इसी तरह देखो एक और रिएक्शन हमारे पास हैलोजिनो एल्केन का होता है विद साइनाइड आइंस। अभी तक मैकेनिज्म नहीं बताया, मैकेनिज्म सबका एक ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम टाइप ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं जो जो एल्केन के हो सकते हैं। एक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन विद साइनाइड आइंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन विद साइनाइड आयंस, साइनाइड एंड सी एन माइनस वन होता है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है साइनाइड आयन का वो ये इस तरह से, चार्ज माइनस वन का नाइट्रोजन पे लिख रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली कार्बन पे एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आ रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए साइनाइड आयन हमारे पास कहाँ से आते हैं? पोटेशियम साइनाइड हम लेते हैं, तो
उसमें से आएंगे। पोटेशियम, साइनाइड सॉल्यूशन। अच्छा, पोटेशियम साइनाइड जो है ना, उसको हम लोग इथेनॉल में डिसॉल्व करके फिर यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। दिस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से वी हैव हैलोजन एल्केन, ब्रोमेथेन की एग्जांपल ले लेते हैं, और उसमें जब हम पोटेशियम साइनाइड डालेंगे तो साइनाइड आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह पे लग जाएंगे। तो ये तीन कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, जिसमें कार्बन चेन भी इंक्रीज हो गई है हमारे पास, साथ में यार नेगेटिव आयन निकल जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को पोटेशियम ब्रोमाइड, मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ पूरा दिखाऊंगा तो फिर आखिर में पोटेशियम ब्रोमाइड दिखा देंगे। अगर इस तरह से लिखेंगे तरह से लिख देंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है ना हमारे पास, इसमें देखो तीन कार्बन हो गए। अब अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो पहले ब्रोमोइथेन में एक ब्रोमीन लगा हुआ था यहाँ पे, और फिर साइनाइड आयन जब आया ने ब्रोमीन को हटा के खुद लग गया CN। तो ये जो कार्बन चेन थी, अब देखो ये तीन कार्बन की हो गई ना। दिस रिएक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ओनली रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कार्बन चेन। तो दो कार्बन की चेन से तीन कार्बन की चेन हो गई है, और इसको हम नाम कैसे देते हैं, तीन कार्बन हो गए ना, तो दिस इज प्रोपेन। ठीक है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CN, ये स्टेट चेन में ये फिर कहलाता है नाइट्राइल। दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। इसका एक और तरीका होता है नाम देने का, अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप नया लगा है CN फंक्शनल ग्रुप साइनाइड जिसको कहते हैं, अगर हम उसको लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट कंसिडर ना करें तो फिर उसको किस तरह से नाम देंगे, तो उससे पहले दो कार्बन का इथाइल लगा हुआ है और इसको फिर हम अलग से नाम देंगे इथाइल साइनाइड। लेकिन यूजुअली हम लोग जो नाम दे रहे हैं कैम्ब्रिज में, वो नाइट्राइल्स की फॉर्म में दे रहे हैं, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा, इस प्रोपेन नाइट्राइल का अगर स्केलेटल फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो वो देखो ऐसे बनेगा, 1, 2, 3 कार्बन, और उसके बाद दो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, विद नाइट्रोजन। सही है, क्लियर है यहाँ तक? इस रिएक्शन को हमने पोटेशियम साइनाइड इथेनॉल में डाल के क्यों लिया, एक्वस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं एक्वस लेता तो OH नेगेटिव आयन होते, और वो OH नेगेटिव आयन भी जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते फिर, और Br को CN हटाने के बजाय, साइनाइड लगने के बजाय कुछ मॉलिक्यूल्स में OH भी लग रहा होता, जैसे ऊपर रिएक्शन हुआ था ना हाइड्रोलिसिस वाला, यहाँ भी कुछ मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस हो जाती। तो अगर हमें नाइट्राइल्स बनाने हैं और हम अल्कोहल बन रहे हैं प्रोडक्ट में तो वो भी सही नहीं है, इसलिए हमने इसमें एक्वस पोटेशियम साइनाइड नहीं लिया, इथेनॉल में डिजोल्व करके लिया है सोडियम साइनाइड को। समझ आई ये बात? एंड दिस इज द ओनली रिएक्शन विच इंक्रीजेस दी और विच एड्स एन एक्स्ट्रा कार्बन एटम टू दी ओरिजिनल हैलोजन एल्केन।
एड्स एक्स्ट्रा कार्बन एटम तो दी ओरिजिनल हैलोजन वेलकेन कार्बन चेन। बिकॉज समटाइम्स इन इंडस्ट्रीज केमिस्ट दे नीड टू मेक अ न्यू कंपाउंड विद वन और मोर कार्बन एटम। ठीक है, समटाइम्स दे आर जस्ट गिवन लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फ्रॉम दोज अवेलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इफ दे नीड टू मेक अ न्यू कंपाउंड विद मोर कार्बन एटम्स सो दे हैव टू रिलाई ऑन दिस रिएक्शन। तो अगर कोई एल्केन है सिर्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हैलोजन एल्केन एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू हैलोजन एल्केन्स दे विल कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइल्स। ठीक है, और नाइट्राइल्स को फर्दर जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे, ये जो नाइट्राइल बना है ना प्रोपेन नाइट्राइल, इसके अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें विद एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन नाइट्राइल विथ एसिड जैसे ये प्रोपेन नाइट्राइल ले लो या कोई भी नाइट्राइल ले लो, मतलब प्रोपेन ना लिखो, मैं सिर्फ नाइट्राइल ही लिख दूँ ना, एल्काइल नाइट्राइल, कोई भी नाइट्राइल आपने बना दिया या साइनाइड आपने बना दिया, इसको अगर आप हीट करोगे विथ वाटर एंड एसिड एच पॉजिटिव आयन एसिड एज अ कैटलिस्ट तो दिस सी एन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये सी एन जो है ना ये सी डबल ओ एच बन जाएगा। तो दिस विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन हम लोग अल्कोहल्स के चैप्टर में जब कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे वहां भी देखेंगे। यहाँ पढ़ा दिया, यहाँ भी लिख लो, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपने, बस ये हीट ही करना होता है। इसी तरह हैलोजिनो एल्केन्स का एक और रिएक्शन है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन विथ अमोनिया, फोर्थ रिएक्शन। मतलब अगर हमारे पास कोई हैलोजन एल्केन है, जैसे अभी ब्रोमोइथेन की एग्जांपल ले रहे हैं सब में, तो वही लेके चलते हैं अभी, CH3CH2Br, और इसको हम रिएक्ट करवाएं अगर अमोनिया गैस के साथ, मतलब अमोनिया के साथ, दिस विल प्रोड्यूस ब्रोमोइथेन से Br हटेगा और इसके साथ ना अब अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, वो Br को हटा के उसकी जगह पे लगेगा तो वो सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो 5 ग्रुप 15 का नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड वो कार्बन के साथ बनाएगा तो फिर अपने साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रखेगा, साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दिस प्रोडक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके साथ NH2 लगा हुआ है ना, मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं लिखूं सही से, CH3CH2NH2, तो इसको हम कहते हैं इथाइल, 2 कार्बन की चेन लगी है ना, और NH2 को हम कहते हैं अमाइन, दिस इज इथाइल अमाइन। और इसका स्केलेटल फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, 2 कार्बन वाले हैं ना तो दिस वुड बी लाइक दिस 1 2 और साथ में NH2।
इसको दोबारा अभी डिटेल में देखेंगे ना रिएक्शन को। ये जो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट बना है ना NH2 वाला, इसको इस पूरी फैमिली को हम अमाइंस कहते हैं। अमाइंस अलग से फैमिली तो नहीं पढ़नी हमने, लेकिन हमें इंट्रोडक्शन उसका चाहिए। जैसे अगर मैं अमाइंस की बात करूँ ना, तो टाइप्स ऑफ अमाइंस क्या क्या होती है हमारे पास? जैसे अगर नाइट्रोजन के साथ दैट से एक एल्काइल चेन डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे CH2, CH3 और दो हाइड्रोजन है, दिस इज प्राइमरी अमाइन। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का अमाइन है जिसमें दो एल्काइल चेन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। और तीसरा वाला आपको पता है टर्शरी अमाइन क्या होगा? जिसमें नाइट्रोजन एटम हैज 3 एल्काइल चेन डायरेक्टली अटैच्ड टू इट एंड नो हाइड्रोजन और 0 हाइड्रोजन, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज टर्शरी अमाइन। सही है। अब ये क्यों बता रहे हैं अभी? अमाइन अलग से तो नहीं पढ़ना हमें, लेकिन ये जो हमारे पास अमोनिया हमने यूज की है ना इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हम तो एक हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे। अभी रिफ्लक्स भी डिस्कस करना है क्या होता है ना। और अमोनिया जो है ना वो एक्सेस लेते हैं हमेशा, और एक्सेस लेना इसलिए जरूरी है, अगर मैं एक्सेस अमोनिया नहीं लूंगा तो बेसिकली ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं ना अमाइन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये लोग आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। क्योंकि जो अमाइन होते हैं ना, अमाइन आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर। और वो बेसिक क्यों होते हैं भाई? जैसे अमोनिया बेसिक होती है ना, वैसे अमाइंस भी बेसिक होते हैं। तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का जो अमोनिया है ना वो अमाइन है। जैसे अमोनिया को अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो वो सॉल्ट बनाता है ना, अमोनियम क्लोराइड HCl के साथ। तो इसका जो आयन बनता है NH4+1 आयन अमोनिया से, उसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। इसी तरह अगर हमारे पास कोई अमाइन है, जैसे अभी हम इथाइल अमाइन हमने बनाया ना, CH3, CH2 और NH2, इसको अगर हम किसी एसिड में डालेंगे तो ये भी आयन बनाएगा जस्ट लाइक अमोनिया। अमोनिया बनाते हैं अमोनियम आयन, उसमें NH3 था, एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है, NH4+ हो जाता है। इसमें CH3, CH2, NH2 है, इसमें भी एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, NH3 हो जाएगा और ये प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे। इसका नाम अमोनिया नहीं था ना, इसका नाम तो इथाइल अमाइन था। लेकिन जब ये आयन बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इट इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसको फिर हम अमोनियम आयन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम इथाइल अमोनियम आयन कहेंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ना हमारे पास, अगर हम एक्सेस अमोनिया नहीं लेंगे तो ये जो हमारे पास इथाइल अमाइन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है, अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी तो एसिड ही है ना, जैसे कि HCl होता है। तो ये जो इथाइल अमाइन बना है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बना लेगा। अब ये जो दो 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 प्रोडक्ट हैं, इनका आपस में रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? ये CH3, CH2, NH2,
रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ टू प्रोड्यूस CH3, CH2, NH3 एंड BR, इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और साथ में सॉल्ट एंड दूसरी चीज वाटर। ये जो इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है बेसिकली सॉल्ट बनेगा। आपको इथाइल अमाइन चाहिए था, आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट मिल रहा है, इसलिए एक्सेस अमोनिया लेते हैं ताकि जगह ही ना मिले अमाइन मॉलिक्यूल्स को और हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब आने के लिए, बीच में हर जगह अमोनिया का ही मॉलिक्यूल दिखे। और एक्सेस अमोनिया लेने का एक और रीजन है, वो मैं आपको ना, अभी हम रनिंग आउट ऑफ टाइम, थोड़े से आज टाइम मिसमैनेज हो गए, तो कमिंग वीक से इंशाल्लाह हमारा टाइम जो आपको बताया जाएगा वही होगा। आगे जो है ना, एक्सेस अमोनिया लेने का एक और रीजन होता है, बस वो सुन लो जल्दी से, कि अगर हम एक तो हमें वी हैव टू प्रिवेंट द रिएक्शन बिटवीन अमाइन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन सेकंड कि अगर मैं एक्सेस अमोनिया ना लूँ तो जो अमाइन, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल जाके ब्रोमीन को हटा रहा है ना, वैसे ही अमाइन जो बना है वो भी जाके कुछ, अगर रिएक्टेंट में हैलोजन एल्केन अभी भी बचा रहेगी है, तो ये जाके अमोनिया की तरह काम करना शुरू कर देगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेकेंडरी अमाइंस बनना शुरू हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ये ब्रोमोइथेन था, पहली बार अमोनिया ने इसको हटाया और वी गॉट अमाइन विच इज CH3CH2 एंड NH2। अब अगर कुछ ब्रोमोइथेन मॉलिक्यूल में जाके ये अमाइन अमोनिया की तरह इसको हटाएगा, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, एक तो CH3CH2 को हटा के ये जो नाइट्रोजन है ये जब लगेगा इसके साथ, तो ये नाइट्रोजन अपने साथ पूरी अल्काइल चेन को भी तो लेके आ रहा है ना, और फिर एक दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को छोड़ देगा, एक हाइड्रोजन लगा के रखेगा, तो ये जो हमारे पास अमाइन बना है ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। तो हमें अगर प्रोडक्ट में प्राइमरी अमाइन चाहिए था और अगर हम एक्सेस अमोनिया नहीं लेंगे तो सेकेंडरी अमाइन भी मिलेगा। एक्सेस अमोनिया क्या करेगा भाई, जगह ही नहीं देगा अमाइन को, जो इथाइल अमाइन है उसको आने की जगह ही नहीं देगा ब्रोमोइथेन के पास, इसलिए एक्सेस अमोनिया लेते हैं। एक्सेस अमोनिया लेने का इस रिएक्शन में दो रीजन है, टू प्रिवेंट रिएक्शन ऑफ एल्काइल अमाइन एंड हाइड्रोजन हैलाइड प्रोड्यूस्ड, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है इसमें सॉल्ट जो बन रहा था जैसे, और दूसरा टू प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एल्केन बाय अमाइन। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो छोटा थोड़ी सी बस सब रिएक्शन मैकेनिज्म रह गया। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग अभी जा सकते हो। हाफिज।